फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी। आइए, इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया है पनीर 250 ग्राम, मैदा, कॉर्नफ्लोर, प्याज, शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। आइए मैं बनाती हूँ। तो अब फ्रेंड्स, मैं अपना ये एक बैटर बना के तैयार करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पनीर को कोटिंग करूँगी। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये एक इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार किया है। इसे धीरे धीरे चलाना है जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इसे ज़्यादा ना गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले डाले जाएंगे, जैसे कि एक चुटकी गोलकी पाउडर, एक चुटकी नमक स्वाद अनुसार, और एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इस बैटर में सारे मसाले डाल दिए गए हैं। मैं अब इसे भी मिलाऊंगी चारों तरफ से, जिससे ये पूरा मसाला इस बैटर में मिल जाए। अब ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं धीरे धीरे करके अपने पनीर डालूंगी, जिसमें ये कोटिंग हो सके अच्छे से। मैं इसे हल्के हाथों से इन्हें मिला रही हूँ ताकि ये पनीर टूटे ना। मैं इसे हल्के हाथ से मिलाऊंगी, उसके बाद मैं डीप फ्राई करूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पनीर अच्छे से कोटिंग हो गया है। अब मैं एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर दी हूँ। अब इसे मैं धीरे धीरे कर एक एक करके डीप फ्राई करूंगी। इसे ज़्यादा हीट तेल नहीं करना है, कम ही मीडियम लो पर करना है। ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो हमारा पनीर जल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके ही पनीर डालना है, एक साथ नहीं डालना है। इसे बस गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है। एक एक करके ही पनीर डाला जाएगा इसमें, ताकि ये अच्छा सा हमारा सेलो फ्राई हो सके। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पनीर धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। इसे धीरे धीरे कर पलटना है, एक साथ नहीं पलटना है, एक एक करके पलटना है। इसे 2-3 मिनट तक मैं एकदम मीडियम आंच पर पकाऊंगी। 2 मिनट लो फ्लेम के तलने के बाद मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है, जिससे ये हमारा पनीर अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी लगे। इसे मैं 2 मिनट तक और इसे तलूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकालूंगी, धीरे धीरे कर इसे निकालूंगी। उसके बाद मैं एक एक करके अपने और पनीर के क्यूब्स तेल में डालूंगी। एक एक करके ही फ्रेंड्स डालिए, आप लोग भी एक एक करके डालिएगा तो ये सटेगा नहीं और आसानी से ये निकल जाएगा तेल से। अब फ्रेंड्स देखिए, ये मैं अपने सारे पनीर को तल ली हूँ। अब मैं इसे निकालूंगी और उसके बाद मैं देखिए इसका ग्रेवी बनाती हूँ। इसी कढ़ाई में ग्रेवी बनेगी, बस इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा है। मैं इस तेल को थोड़ा सा निकाल लूँगी, उसके बाद मैं ग्रेवी बनाऊँगी। पनीर मैंने तलकर निकाल लिया है, अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब मैं डालूँगी लहसुन की कुछ कलियाँ, जिसे मैंने चॉप कर दिया है। उसके बाद मैं डालूँगी बारीक कटी हुई अदरक। इसके बाद मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। हमारा तड़का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप की हुई प्याज। इसे 1 मिनट तक भूनना है। 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक काटा नहीं है, सिर्फ क्यूब्स में काटे हैं शिमला मिर्च। इसे भी मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी।
ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करना है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा शिमला मिर्च और प्याज भुना जा चुका है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, जैसे कि एक छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे मैं मिलाऊंगी ताकि ये पक जाए। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मसाला भुना जा चुका है। अब इसमें मैं सॉसेस डालूंगी, एक चम्मच सोया सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस, मतलब एक चम्मच और थोड़ा सा सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, और दो चम्मच टोमेटो सॉस। अब मैं इसे मिलाऊंगी, ये एक मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पर भूनूंगी ताकि ये सब मसाले अच्छे से भून जाएं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा सब्जी और सॉसेस सब एक में मिल गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली सॉस एक चम्मच, और मैंने यहाँ पर दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ी सी एक चुटकी फूड कलर मिलाकर एक पानी डालकर घोल तैयार किया है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बने और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। ये मैं एक मिनट तक इसे पकाऊँगी। अब हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें फ्राइड किए हुए पनीर के क्यूब्स डालूँगी। अब इसे चारों तरफ से मैं मिलाऊंगी ताकि इसमें ये इसका ग्रेवी इसमें आ जाए। मैं चारों तरफ से इसे मिलाऊंगी। अब हमारे सारे मसाले इसमें मिल गए हैं। अब ये हमारा चिली पनीर बनकर तैयार हो गया है। आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा चिली पनीर बनकर तैयार हो गया। अब इसे मैं एक बॉल में सर्व कर ली हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।